दोनों साइड हम 10 ले लेंगे। बिल्कुल सही है, गुड गुड, बहुत बढ़िया आ जाएगा। चलो मैं इनको बता देता हूँ जिनका नहीं आया। बोथ साइड हमने 10 ले लिया, ए प्लस सी इक्वल टू 10 बी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें बयां दिख रहा कि प्रूफ में सब में 10 चाहिए, तो हमने 10 ले लिया बोथ साइड। तो 10A प्लस 10C अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10C इक्वल टू 10B, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया हमने तो 10A प्लस 10C इक्वल टू आ गया 10B मल्टीप्लाई में, और माइनस 10A 10B और 10C। अब हमने इधर उधर अरेंज कर लिया तो 10B माइनस 10A माइनस 10C इक्वल टू आ गया 10A इंटू 10B इंटू 10C। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा या अलग होगा, जरा चेक करके तुम्हें बताना है डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 1040, राइट डाउन 1040 प्लस 1080 1040 प्लस 1080 माइनस √3 1040 इंटू 1080, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ऑप्शन है हमारे पास √3 माइनस √3, 1/√3, और एक ऑप्शन ले लेते हैं नन। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, सोचो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या आइडिया लगाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गए, वो तो प्रूफ वाला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रूफ वाला नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर गिवन है इफ, क्या कर रहे हो, सवाल बाहर आया कुछ समझ में, कैसे करेंगे कि नहीं। देखो अब मैं बताता हूँ इसका, चलो इसमें प्रॉब्लम होगी, इस वाले क्वेश्चन में फंसोगे, तो थोड़ा सा इस मदद करता हूँ मैं तुम्हारी। देखो कैसे करेंगे, ये वाले क्वेश्चन है या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ना। हेलो बच्चों, समझ में आ रही ना बात। तो इसको हम क्या यस सर, करेंगे, इसको हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक ये इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है। बाकी अगर इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा, इतने बड़े काम को ये छोटा करने वाला है, एक लाइन में आंसर देगा। बस यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर देखें तो हम क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाएंगे कि कैसे सॉल्व करें यहाँ पर, क्योंकि 1040 प्लस 1080 गिवन है, माइनस का √3 के साथ ये सारे गिवन है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन ऊपर लिखा था, इफ ए प्लस सी इक्वल टू बी, तो एक एंगल ये, एक एंगल ये है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं √3 भी हमको दिख रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या समझना जरा बात को। 40 प्लस 80 इक्वल टू एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 120। तो अगर ए प्लस सी इक्वल टू बी बन गया यहाँ पर, 80 प्लस 40 प्लस 80 120। अब यहाँ पर जैसे हमने ये चार लाइनें अपनी की हुई हैं और प्रूफ किया है यहाँ पर, ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रूफ किया ना, इसको बोथ साइड 10 ले लिया और उसके बाद सॉल्व किया इसको। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, और ये हमारा बी है, और हम चाहे तो वो चार लाइन हम कर भी सकते हैं, कोई बड़ा काम तो है नहीं। ये लिखा हुआ है क्या, रिलेशन लिखा हुआ है 10B माइनस 10A, और चाहो तो तुम यहाँ पर बोथ साइड 10 लेके भी कर सकते हो, अभी मैंने कर दिया इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेता हूँ। 10B माइनस 10A माइनस 10C इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C ये लिखा हुआ है।
अब मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देनी है। बी की वैल्यू यहाँ पे 120 है, तो 10 120। वैसे तो देख के डायरेक्ट आंसर आ गया था, लेकिन मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 10 A की वैल्यू 40 है, माइनस 10 C की वैल्यू जो है वो 80 है, और इक्वल टू है 10 40, 10 B है 120 और 10 C है 80। अब 10 120 की वैल्यू कौन बताएगा क्या होती है? 10 120, 10 90 प्लस 30 माइनस कॉट 40, -43। तो माइनस रूट 3 हो गई वैल्यू। बहुत सही है, गुड। तो ये हो गया माइनस का रूट 3, माइनस 10 40 माइनस 10 80 इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस का रूट 3 हो जाएगा, और 10 120, और सॉरी ये 10 120 तो रख दिया वैल्यू, 10 40 ये 40 डिग्री है यहाँ वाला, और ये 10 80। माइनस हमने सबसे कट कर लिया, जो हमारा रिलेशन है देखो वो क्या दिख रहा है क्या हमको? यहाँ पर हमने लिख दिया रूट 3 प्लस 10 40 प्लस 10 80 इक्वल टू रूट 3 10 40 इंटू 10 80। अब जरा बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 40 प्लस 10 80, और ये माइनस का, और इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 3। अब बताओ इसमें किसको प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है बात? हेलो। हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ए प्लस सी हमेशा बी के इक्वल ही होगा। ए प्लस सी हमेशा बी के इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी? जैसे हाँ ऐसा जरूरी, मतलब आपने यहाँ पे सम में 40 प्लस 8 इक्वल टू 120, लेकिन डी की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है ना सम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा ना। अगर हमारे पास कोई ऐसा नोन वैल्यू मिल रहा है, जैसे ये दोनों अननोन है, तो अगर इन दोनों को प्लस करके कोई हाँ नोन वैल्यू मिल रही, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सब में थोड़ा ना अप्लाई कर सकते हैं, ये एक स्पेशल केस हो गया ना। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर ए प्लस हाँ सी, अगर हमारे पास ए और सी गिवन है, और अगर हमारे पास दूसरा एंगल जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, तभी हम यहाँ फॉलो कर सकते हाँ हैं। नहीं तो ये सभी के लिए थोड़ा ना है, ये मतलब सब में फॉलो होने वाली चीज़ नहीं है। ये सिर्फ तभी के लिए है जब ए और सी हमको गिवन हो, और बी जो है ऐसी वैल्यू हो जिसकी ओके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, यस। सब में ये फॉलो नहीं होने वाला है, ये एक स्पेशल केस होगा। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ देखो, तो इसका आंसर आ गया, सभी को क्लियर है? बाकी लोगों को ये क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 मिनट रुकना जरा। टेन हंड्रेड डिग्री, 1000 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री, 1000 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री प्लस 1000 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? और ऑप्शन हमारे पास है 1 माइनस 1, 1 बाई रूट 3 और नन। अब जैसे यहाँ पर है, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो क्या बन सकता है। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, 1 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ये भी एक स्पेशल केस हुआ ना। अगर ऐसे हम क्वेश्चन को हाँ देखते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें, बताओ। अगर मैं ये रिजल्ट तुम्हें ना बताऊं, ये क्वेश्चन ना बताऊं, तो इसमें हर में यही करना पड़ेगा कि पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तुम चाहो तो पूरा प्रोसेस भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम तो है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, 100 और 125, ये वैल्यू जो आएगी वो 225 डिग्री आएगी, और 225 तो नोन है,
चाहो तो बोथ साइड 10 लेके 2 लाइन में सॉल्व कर दो, ये भी कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर हमें रिजल्ट याद है तो हम एक लाइन में सीधे देख के आंसर बता देंगे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जैसे हमने पिछले टर्म पे कुछ फॉर्मूले पढ़े थे उनसे रिलेटेड, और उसके पहले भी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो जो ए बी फार्मूला पढ़े हुए थे और सी डी फार्मूला पढ़े हुए थे, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू, अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया उसका एक क्वेश्चन जेई में भी उस टाइप का पूछा गया, अभी थोड़ी देर में दूंगा मैं, ठीक है? तो उसको जरा पहचानना, अभी इधर उधर घुमाऊंगा फिर वो क्वेश्चन दूंगा, तो ध्यान रखना। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ए बी फार्मूला, और ये तो बहुत इजी है, एनसीईआरटी का भी पार्ट है। हमने 4 फार्मूले पढ़े थे ना, एक पढ़ा था साइन ए प्लस बी, इसी को ए बी फार्मूला बोलते हैं ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये होता है 2 sin A cos B। फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 cos A sin B। फिर थर्ड हमने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसको बोलते हैं 2 cos A cos B। और फोर्थ वाला हमने बोला था कि दोनों में से कोई भी लर्न कर लो, हमने ये वाला लर्न किया हुआ है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये पूरा साइन में आ जाता है 2 sin A sin B। चाहो तो दूसरा वाला भी प्लस के साथ बाद में माइनस, तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरा देखो और इनको लिख भी लो, इनको सॉल्व करना है तुमको, बहुत इजी इजी से है। sin 3x (cos 2x), इनमें फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। दूसरा है 2 sin 2 cos 45 cos 15, मैं नोट करता जा रहा हूँ, जरा आंसर बताते जाए सभी के। सेकेंड के बाद थर्ड लिख लेते हैं 2 cos 6x (cos 4x), cos 15 माइनस, एक और लिख लेते हैं, अच्छा चलो थोड़ा बड़ा ये वाले तो हो जाएंगे, फोर्थ भी इजी है, sin 5x (sin 3x). फिर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, cos 4x (sin 3x) - cos 2x। ये सारे नोट नहीं करने, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो करना, और आंसर अभी मैं पूछ रहा हूँ सभी के, इसको नोट करने के बाद cos 4x (sin 3x) (cos 2x) (sin x) (sin 4x) (sin x) (+cos 6x) (cos x). इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो फर्स्ट वाले का आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? बच्चों किसी ने किया फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है फॉर्मूले भी इसीलिए मैंने लिख दिए साथ साथ, 2 sin A cos B, ये साइन ए है और ये बी है, ये वाला फॉर्मूला देखो फर्स्ट वाला 2 sin A cos B, तो साइन ए कॉस बी तो दिख रहा, बस 2 की कमी है, तो हमने क्या किया यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 sin A cos B बन गया। अब बस यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाफ आ जाएगा, टू साइन ए कॉस बी अप्लाई कर देते हैं, sin A+B (+sin A-B), तो
तो साइन ए प्लस बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी 3x + 2x और प्लस साइन ए माइनस बी 3x - 2x, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2 sin 5x + sin x। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सेकंड का आंसर निकाला क्या किसी ने? क्या आएगा सर? हाँ बोलो बेटा। यस सर, सर साइन 5x को हमें आगे नहीं करना, साइन 5x को आगे सॉल्व नहीं करना हमें, या फिर नहीं ऐसे ही नहीं नहीं रखना? बस यहीं से छोड़ देना है। ये तो केवल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन 5x को नहीं सॉल्व करेंगे। साइन 5x को कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इसको हम कर सकते हैं 4x + x, फिर आगे? मैं वही कर रहा था, ये तो आ गया समय था। ओके ओके, फिर आगे नहीं। अभी हमने एक्चुअली में अभी हमने साइन 3x, साइन 2x, साइन 5x ये पढ़ा ही नहीं ना, हाँ वो भी, तो अभी हम यहीं पर हाँ हैं। वो भी अभी हुआ। आगे जब पढ़ेंगे तब उसको आगे सॉल्व हाँ करना सीखेंगे। अभी मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि जितना मैंने बताया है उतना ही पता है। ठीक है, ओके सर, 2 cos 45 cos 15, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 cos 1 cos 3, 2 √3/2 आएगी इस पूरे की वैल्यू। टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 45 + 15 प्लस कॉस ए हेलो माइनस बी 45 - 15। सर, हाँ बोलो। √3 + 1/2 आ रहा है। √3 + 1/2, बिल्कुल सही है, गुड। हाँ वो आ तो ये रहा हो है गया सर। √3 + 1/2, सही है। उसके बाद नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा ना। चलो फिफ्थ ट्राई करते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, थर्ड फोर्थ करना है तुमको अपने मन से, हो जाएगा, कर लोगे मेरे ख्याल से। कुछ नहीं करना है, जिसमें टू नहीं उसमें टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देना। जरा इसको करो, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 कर लेंगे तो 1 6 भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये वैसे ये भी इजी है, सेम टाइप का ही है, कुछ खास नहीं है। यस नकुम बेटा, अनम्यूट करना अपने आप को। यस सर, हाँ चलो बताते जाओ, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को कैसे करना है मुझे बताते जाओ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, बाकी लोगों को करने दो, तुम बताओ कैसे करेंगे। कौन सा सर? हाँ यही फिफ्थ वाला जो हम लोग कर रहे हैं, साथ में ही हो, हाँ हाँ बताओ फिफ्थ वाला कैसे करेंगे, स्टार्टिंग। हेलो, हाँ बोलो। सबसे पहले क्या करना चाहिए फिफ्थ वाले के लिए हमको? सर 1 ये ऊपर जो कहानी बताई है समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो ये चार फॉर्मूले बताए ये पता है ना हमें, याद किए हुए हमने। हाँ हाँ तो फिर बताओ इसमें, जैसे यहाँ पर कॉस ए साइन बी दिख रहा है ना फिफ्थ वाले में, कॉस ए हाँ सर, साइन टू बी दिख कॉस से रहा है, कॉस बी से होता है। हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना सब में। सर, तो हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2 cos 2x sin x, और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin 4x sin x प्लस 2 cos 6x cos x। अब बताओ क्या करें, 2 cos a sin b, जल्दी बोलते जाओ मुझे क्या आएगा फॉर्मूला। 2 cos a sin b क्या करें? 2 cos a cos b होगा सर।
टू कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, टू कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूले भी ऊपर लिखे हुए हैं, याद नहीं है मुझे लग रहा, टू कॉस ए साइन बी ओके क्या होता है रिजल्ट, टू कॉस ए साइन बी याद टू नहीं कॉस है? फोर एक्स इंटू साइन 3x। क्या कह रहे बेटा? पर मुझे भी आप समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। क्या कह रहा, फिर से बोलना, रिपीट करो क्या कह रहा। टू कॉस फोर एक्स इंटू साइन 3x। हाँ ये तो आ गया है, टू से मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया टू कॉस ए साइन बी। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हाँ चारों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर लिखे हुए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ? सेकेंड टू कॉस ए साइन बी चाहिए हमको, टू कॉस ए साइन बी। हाँ सर, पर ऊपर करना है ना हमें। कहाँ ऊपर करना है? हमने ये देखा फॉर्मूला, टू कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पे, ये दिख रहा है हाँ ये फॉर्मूला, हाँ इसका ये वाला पार्ट हमें गिवन हाँ है, टू कॉ सॉरी ये सेकेंड वाला जो है, टू कॉस ए साइन बी, हाँ ये गिवन है। तो टू कॉस ए साइन बी को हाँ फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। माइनस तो हम क्या करेंगे यहाँ हाँ पर इस फॉर्मूले में, टू कॉस ए, ये ए है और ये बी है, तो टू कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी कि फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, तो फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, ये अप्लाई कर दिया, बस बात खत्म। प्रॉब्लम? अच्छा ना यहाँ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे ये बता दीजिए, सर। यहाँ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ये हेलो जो प्लस लगाया हमने, माइनस हाँ यहाँ पर क्या होगा हाँ माइनस, क्योंकि टू सही साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा हाँ माइनस, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा हमको, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 7x हो गया और ये हो गया साइन एक्स, ये साइन लिखा हुआ है। अब दूसरे वाले में बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है ये पूरा ए हो गया और ये बी हो गया, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए हाँ साइन बी, इसका क्या हो जाएगा, फिर वही लगा दो, साइन साइंस हेलो टू एक्स प्लस एक्स, हाँ सुन रहा हूँ, ये हो जाएगा, सही है हाँ ओके। चलो बाकी दूसरे में सर। लगा दो। हेलो हाँ हाँ बोलो, हेलो सर, मैं आंसर बोलूँ? मेरा है आंसर हाँ बोल दो बेटा। साइन 7x माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 3x। बिल्कुल सही है, यहीं तक अभी करेंगे क्योंकि हमें इसके आगे अभी हमें पता नहीं है। ठीक है दूसरा, ओके सर, अभी कर रहा हूँ 6th one। ओके टू सर साइन, हाँ बेटा बोलो। सर मेरा फिफ्थ का आंसर जो है वो मतलब शायद रॉन्ग है, साइन 7x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस 7x आया। फिफ्थ वाले में हाँ सर, क्या आया है, फिर से बोलो। साइन 7x माइनस साइन 7x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस 5x माइनस 7x। नहीं गड़बड़ है, चेक करो, रीचेक करो, फिर से रीचेक करो, यस अभी सर, करता हूँ मैं। तो टू साइन हेलो ए, सर, यस सर, हाँ बोलो। हेलो सर मेरा साइन 4x अपॉन कॉस 10x आया। नहीं ये भी गड़बड़ है, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको, इसके बाद आ रहा हूँ। टू साइन ए सर, साइन, मैंने हाँ कर दिया है हेलो साइन सर, हाँ सेवन एक्स बेटा बोलो। माइनस कॉस 3x कर दिया है मैंने, और अपॉन में कॉस 7x प्लस कॉस 3x कर दिया है। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। सर हो गया, करेक्शन हो गया, पता ठीक चल गया कहाँ पर मिस्टेक हुई थी ना वो। ओके ओके, चलो ये फिफ्थ वाला मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट ओके फिफ्थ मुझे करने दो, फिर मैं आ रहा हूँ 6 में, 6 में भी फिर आ रहा हूँ। टू साइन ए साइन बी किया मैंने, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 4x प्लस एक्स
और टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, तो सिक्स एक्स प्लस एक्स, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो सिक्स एक्स माइनस एक्स। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे हमारा इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाले फिफ्थ वाले का कितना हो जाएगा, साइन सेवन एक्स और फोर एक्स और थ्री एक्स सेवन एक्स, तो साइन सेवन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन, ये कितना था, टू एक्स प्लस एक्स साइन थ्री एक्स, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस सेवन एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स। ये कॉस फाइव एक्स कट हो गया, ये साइन एक्स कट हो गया, तो ये हो गया साइन सेवन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस सेवन एक्स। यहाँ तक आ गया है। इसके बाद भी फॉर्मूला बनते हैं, सीडी फॉर्मूले, वो अभी हमने पढ़े नहीं, अभी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे उनको, तो फिर उनको आगे अप्लाई कर देंगे, अभी यहीं तक छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? हेलो, हाँ बोलो सर, एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर साइन सेवन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स साइन फोर एक्स नहीं लिख सकते? साइन सेवन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स को हम साइन फोर एक्स नहीं लिख नहीं, सकते? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं कर सकते हम लोग। अभी मैं आ रहा हूँ वही फॉर्मूलो में, अभी आ रहा हूँ कि ये साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, अभी इसके बाद यही बताने वाला हूँ सी डी फार्मूला। इसमें हम डायरेक्ट ये साइन, तुम्हारे हिसाब से तुम ये कह रहे हो ना, देखो मैं इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे तुम्हारा कहने का मतलब मैं समझ गया कि तुम्हारे हिसाब से कि अगर साइन सेवन एक्स लिखा है और ये साइन थ्री एक्स लिखा है, तो हम एक काम करें साइन कॉमन ले लें और सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स कर दें, तो ये क्या हो गया साइन फोर एक्स, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। बट ये पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इतना लंबा हम क्यों याद करते, हम कह देते भाई साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा, और साइन कॉमन ले लेंगे तो फिर साइन ए माइनस बी बन जाएगा, तो साइन ए माइनस बी का फिर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हम क्यों लर्न करते, तो ये रॉन्ग अप्रोच है। बात क्लियर हो रही बेटा? ठीक है, चलो तो फिर। हाँ बोलो सर, सिक्स्थ वन हो गया, उसका आंसर बताओ। बोलो बोलो। साइन नाइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस नाइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस नाइन एक्स, सही है इसका आंसर? हाँ, सही है, बिल्कुल सही बोला आपने, इसका आंसर है साइन नाइन एक्स। लिख लेंगे सभी लोग, इसको ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे, वैसे तो आज आ गया होगा या आ जाएगा। और ये है कॉस एक्स माइनस कॉस नाइन एक्स, यही है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। यस सर। ओके, तो अब लिख लेते हैं ए बी फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, अब लिख लेते हैं सी डी फॉर्मूला। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग है सी डी फॉर्मूला। सर वो स्क्रीन थोड़ी अप कीजिए ना, होमवर्क दिए थे दो सम, वो बाकी है लिखने क्वेश्चन। कौन सा, फिफ्थ और सिक्स? अच्छा ऊपर वाले जो ये नहीं है। हाँ नोट कर, थ्री फोर नोट कर। हाँ सर, ओके, थैंक यू। ओके बेटा, तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग सीडी फॉर्मूला। और देखो ये जो फॉर्मूले अभी हमने ए बी पढ़े हैं उसी से बनेंगे ये सी डी फॉर्मूले, ये भी एन सी आर टी का पार्ट ही है, इसके क्वेश्चन ये एन सी आर टी में गिवन है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एक बार फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, वैसे तो अभी ऊपर लिखा था मैंने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। इसी ए बी फॉर्मूले से सी डी फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है टू कॉस ए साइन बी। फिर तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी। और फोर्थ फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। इन्हीं फॉर्मूलों से हम सी डी फॉर्मूले डिराइव करेंगे, देखो कैसे, फिर उनको अभी अंडरलाइन कर देंगे, वो चार फॉर्मूले और बन जाएंगे सी डी फॉर्मूले। हमने लेट कर लिया कि ए प्लस बी जो है वो सी की इक्वल है और ए माइनस बी जो है वो डी की इक्वल है, ये लेट कर लिया। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा। जब हमने इसको ऐड किया तो बी और बी कट हो गया, तो टू ए इक्वल टू सी प्लस डी हो गया, यानी यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस डी बाई टू। और जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ए और ए कट हो गया, टू बी इक्वल टू आ गया सी माइनस डी, तो बी की वैल्यू आ गई सी माइनस डी अपॉन टू। तो ए और बी की वैल्यू ये हमारी पूरी आ चुकी है, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। ए और बी की वैल्यू आ गई, और ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू तो ऊपर ही हमने लेट किया हुआ है, ये लिखा है ए प्लस बी को हमने सी लेट किया है और ए माइनस बी को हमने डी लेट किया हुआ है। तो ये चारों वैल्यूज जो है हम अपने पहले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। जो पहला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे ये लिखा हुआ है ना हमारा, ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। तो जरा देखो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह रखता हूँ मैं सी, तो साइन सी, ए माइनस बी की जगह डी रख दिया, तो साइन डी इक्वल टू टू साइन, ए की वैल्यू पुट करता हूँ सी प्लस डी अपॉन टू, और कॉस बी की जगह पर सी माइनस डी अपॉन टू। ये पहला फार्मूला हमारा बन गया सी डी फार्मूला। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। ये हमारा सी डी फार्मूले का फर्स्ट पार्ट बन गया, साइन सी प्लस साइन डी। अब जरा दूसरा वाला देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी क्या बनने वाला है। अब समझ में आ गई होगी बात कि ये चारों वैल्यूज ए की, बी की, ए प्लस बी की और ए माइनस बी की, ये चारों वैल्यूज हमें केवल फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा, टू कॉस ए की वैल्यू है सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला नंबर हमारा बन गया सेकेंड, सी डी फॉर्मूला सेकेंड बन गया ये। बोलो इसमें प्रॉब्लम किसी को, ये फॉर्मूला नंबर वन बन गया हमारा सी डी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर टू बन गया। अब फॉर्मूला नंबर थ्री क्या बनेगा, कॉस वाले में देखो, कॉस वाले में ओके निराली, कॉस सी प्लस कॉस डी अगर करते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये जो थर्ड वाला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये बन गया टू कॉस ए कॉस बी, तो ये बन जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और फॉर्मूला नंबर फोर, चलो फॉर्मूला नंबर फोर अनुष्का बताएगी, फॉर्मूला नंबर फोर क्या बनेगा अनुष्का। सर हेलो, हाँ बोलो बेटा, फॉर्मूला नंबर फोर कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू टू साइन कॉस सी इक्वल टू 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 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाय टू मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस डी बाय टू। ओके गुड, तो ये हमारे चार फॉर्मूले बन गए। ये चारों फॉर्मूलों को हम क्या बोलेंगे, इनको चारों फॉर्मूलों को हम बोलते हैं सी डी फॉर्मूला। अब कई सारी बुक्स में क्या होता है, देखो कई सारी बुक्स में ये चौथा वाला फॉर्मूला, इसमें लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि बाकी सब में सी माइनस डी बन रहा है, इसमें डी माइनस सी बन रहा है, तो ये क्या करते हैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या चेंज हो जाता है, कई सारी बुक्स में तुम्हें ऐसे भी मिलेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू।
तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने चौथा फॉर्मूले के बाद एक बताया था ना कि कॉस ए माइनस बी हो तो माइनस आगे आ जाता है, तो फिर ये भी हो सकता है, या कुछ बुक वाले इसको ऐसे भी लिख लेंगे, इस माइनस को यहां पर ले जाओ अंदर, इसके अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और साइन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको डी माइनस सी बाई टू कुछ लोग बोल देंगे। तो हम ये सब पचड़ों में नहीं फंसेंगे, हम सीधे ये तीन याद रखेंगे, हम याद रखेंगे चौथा वाला कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर करते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी करते हैं तो माइनस आगे आ जाएगा, और अगर कॉस डी माइनस कॉस सी करेंगे तो फिर टू साइन वही सेम बनने वाला है, साइन के दोनों टर्म सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। तो ये चार ही फॉर्मूले हैं, सी डी फॉर्मूले, इनको बोलते हैं सी डी फॉर्मूला, जो कि किससे बने हैं, ए बी फॉर्मूले से बने हैं, और ये एन सी आर टी का पार्ट है, कुछ नया काम नहीं है कि ये कोई बहुत नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये सब एन सी आर टी की बुक में मिलेगा हमको। बस हो सकता है वो ए बी को जो है वो सी डी को ए बी बोल दें या एक्स वाई बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, ये जो दो फॉर्मूले लास्ट में बनाए हैं ये भी क्लियर है, फोर्थ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इस तरीके से लर्न करो या इस तरीके से लर्न करो या थर्ड पार्ट इस तरीके से लर्न कर लो। ओके, तो अब जरा देख लेते हैं सी डी फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन लिखते हैं इसी से रिलेटेड, कॉस 5x प्लस कॉस 3x इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी, कॉस सी प्लस कॉस डी ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी थर्ड नंबर पे देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है थर्ड नंबर पे, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, तो टू लगा दो कॉस के साथ, दोनों एंगल को ऐड करके बाई टू कर दो, और कॉस के साथ दोनों को माइनस करके बाई टू कर दो, तो कितना बन जाएगा, टू कॉस फाइव और थ्री एट बाई टू फोर एक्स, और कॉस के साथ फाइव माइनस थ्री टू बाई टू वन एक्स, तो ये बन गया टू कॉस फोर एक्स कॉस एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों, ओके ओके भाग्य निराली अनुस्कार। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर अगर हम मान लो इसके आरएचएस को सॉल्व करें, जो हमारा आंसर आया है टू कॉस फोर एक्स और कॉस एक्स, चूंकि ए बी और सी डी दोनों फॉर्मूले लगभग एक ही दूसरे से बने हैं, तो ये वहाँ पर ये फॉर्मूला अगर लगा देते हो टू कॉस ए कॉस बी, तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर जब लगाओगे तो ये ए है, ये हमारा a है 4x और जो x है वो b है, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो 2 cos a cos b यानी cos 4x cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a प्लस बी, तो 4x प्लस x और cos 4x माइनस x, तो ये बन गया cos 5x और प्लस कॉस थ्री एक्स। तो देखो वही हमारा क्वेश्चन बन गया जो हमें चाहिए था, जिसको हम लेके चले थे वही क्वेश्चन हमारा ये आ गया, तो दोनों एक ही चीज है, बस इनके नाम अलग अलग हो गए, दोनों को अलग अलग तरीके से हमें लर्न करना है, एक हो गया ए बी फॉर्मूला और एक हो गया सी डी, और हमने देखा कि ए बी जब हमने सी डी अप्लाई किया तो ए बी बन गया, और जब ए बी अप्लाई करेंगे तो सी डी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सेकंड लिख लेते हैं, जरा एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ और जरा तुम लोग सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से। साइन 5x माइनस साइन 3x, क्वेश्चन थर्ड है साइन 7x प्लस साइन 3x, क्वेश्चन
क्वेश्चन 4 है cos 6x प्लस cos 4x अपॉन साइन 6x माइनस साइन 4x। ये हमको प्रूफ करके भी लाना है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। क्वेश्चन 5 है साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। कॉस 2x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 4x करते जाएंगे सारे, अभी बात करता हूँ इनकी। साइन है ये, साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन 4x। ये हमको प्रूफ करके लाना है कॉट 3x। फोर्थ वन में कॉट एक्स आ रहा है आंसर। फोर्थ वाले में कॉट एक्स आ रहा है, सही है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गए बच्चों सभी के। हाँ सर। साइन सी माइनस साइन डी जब इसमें अप्लाई करेंगे, ये सी है और ये डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। पहले कॉस आएगा और बाद में साइन आएगा, तो पहले वाले का क्या रिजल्ट आ रहा है, साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x क्या होता है रिजल्ट, 2 cos c प्लस d बाई टू और साइन c माइनस d बाई टू, 5x माइनस 3x अपॉन 2, तो 2 cos 4x और साइन x। ये फर्स्ट वाला सभी का आ गया है। सेकेंड भी डायरेक्ट है, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देंगे थर्ड वाले में। फोर्थ भी हो गया बच्चों, कॉट एक्स आ रहा सभी का, फोर्थ का आंसर कॉट एक्स जो इन्होंने बताया सही है। सर फिफ्थ का आया आंसर क्या आ रहा, फिफ्थ टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। हाँ फोर्थ का आंसर है कॉट एक्स और फिफ्थ का आंसर है टेन, टेन किसी का प्लस में भी आंसर किसी ने इंडिकेट किया। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे प्लस में आया आंसर, टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू। वही वही मैं बोल रहा था कि प्लस में नहीं आएगा। चलो चेक कर लेते हैं फिफ्थ वाले को, चेक कर लेते हैं। फोर्थ तो हो गया ना सभी का, माइनस टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। हाँ फिफ्थ वाला देखो, जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी बन रहा है, तो साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस आता है, टू साइन टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, और कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या आता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये आता है। तो टू से टू कट हो गया और कॉस से कॉस कट हो गया, तो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा। यस सर। ओके अब सिक्स वाला कैसे करेंगे, सिक्स के बारे में कौन बताएगा, बताओ यस पटेल। हाँ सर ट्राई कर रहा हूँ। कैसे करोगे स्टार्टिंग बता दो, समझ में आ जाएगा, ट्राई नहीं करना पड़ेगा। हाँ
क्योंकि यहाँ पे तीन तीन है ना, तो किस में हम लगाएं फॉर्मूला है, प्रॉब्लम ये है। सर कॉस 2x और कॉस 4x को साथ में रख दे। हाँ बिल्कुल सही है, गुड। हमें इस तरीके से ध्यान रखना है, देखो हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमें कौन सा एंगल चाहिए। यहाँ पर ये कौन सा एंगल कह रहा है कि हमें 3x चाहिए, तो अगर हमें 3x चाहिए तो 3x को टच नहीं करना है, क्योंकि 3x तो हमें आंसर में चाहिए ही चाहिए, तो 3x को हम टच ही नहीं करेंगे। बाकी दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो पहले हमने लिखा कॉस 4x, फिर लिखा कॉस 2x और फिर लिखा कॉस 3x और फिर दूसरे में इसी तरीके से लिख लिया साइन 4x, साइन 2x और साइन 3x। अब यहाँ पर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होने वाला है, 2 cos c + d/2। तो 4, अब डायरेक्ट कर देता हूँ, सी प्लस डी करेंगे तो 4 और 2 6 और 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा, अब एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम उस्ताद बन चुके हैं। 2 cos c + d/2, cos c माइनस डी करेंगे तो 4 - 2 2 आएगा और 4 - 2 2 आ गया और c माइनस डी बाई टू एक्स हो गया और प्लस कॉस 3x को एज इट इज रख दिया। देखते जाना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो बताओ। 2 sin c + d/2 तो ये 3x हो गया और साइन c माइनस डी बाई टू किया, सॉरी कॉस करेंगे ना, 2 sin c + d/2 कॉस c माइनस डी बाई टू और प्लस साइन 3x। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा हमारा, कॉस 3x कॉमन ले लिया। ओके, कई लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया। 2 cos x + 1 और यहाँ पर साइन 3x ले लिया तो 2 cos x + 1, तो ये कॉस अपॉन साइन कॉट 3x हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो तो इसमें एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इसको तुम्हें ट्राई करना है और फिर हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो हमें चाहिए उस एंगल को टच नहीं करना है। कभी कभी ये 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, तो हमें पेयर वाइज बनाना पड़ेगा और पेयर वाइज बनाने के बाद फिर आंसर निकालना पड़ेगा। वो हमारी सोच पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या लेके आना है, वो देखना पड़ेगा। तो लिख लेता हूँ एक क्वेश्चन, इसको ज़रा ट्राई करना फिर बताना। हाँ बोलो। 3 एंगल का कुछ फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी प्लस कॉस ई। हाँ नहीं बेटा, नहीं नहीं इतना कौन, ऐसे ही आदमी परेशान है, फॉर्मूलों के बोझ में दबा हुआ बैठा है है कि नहीं। सारे के सारे बेचारे पैसे परेशान है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला, अब चला ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला, तो पागल हो जाएगा आदमी। नहीं, आधा पागल तो ऐसे ही हो चुका है इतने सारे फॉर्मूले देख के अभी। और अभी ये तो सब NCERT के चल रहे हैं, अभी JEE वाले भी अपना अभी कहर ढाएंगे तो उसमें और दिखेंगे फॉर्मूले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस याद करते चलो, घबराने की ज़रूरत नहीं है और बस याद करते चलो, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जिसको अवॉइड करना उसको बोल दूंगा कि इसको छोड़ दो, उसके बिना हमारा काम चल जाएगा। तो ये साइन में दिया है, यहाँ पर कॉस में दिया है, कॉस 3x, कॉस 5x, कॉस 7x और प्लस कॉस 9x। अब इसी में क्या करेंगे जेई वाले, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एपी बन रहा है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब वो क्या करेंगे, पूरी एक सीरीज बना देंगे साइन की, 1000x तक या लाख एक्स तक या nx तक, तो उसका एक फॉर्मूला और वो बना देंगे। तो कोई बात नहीं, वो अभी आगे हम करेंगे, अभी तो NCERT कर रहे हैं तो अभी इसको इसी तरह रखते हैं। इसको हमें प्रूव करके लाना है 10 6x, लिख लेंगे 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन और एक लिख लेता हूँ, बस यही हमारा होमवर्क है। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर और साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, 4 sin² x - y/2, बस यही हमारा होमवर्क है। बाकी जो मैंने भेजा है वो करना है हमको NCERT
का लगभग क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कुछ अभी बचा हुआ है कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी वाला, वो अगले टर्न पे हम करेंगे। ओके बच्चों।